It is very painful when we have a problem of paper leak. We have a problem of cheating. पेपर लीक और चीटिंग बहुत घातक बीमारी है। जो भी पेपर लीक में सहयोग करते हैं, पेपर लीक से आर्थिक लाभ कमाते हैं, पेपर को बेचकर पैसा कमाते हैं, वो सबसे पहले कुठाराघात करते हैं आपकी योग्यता पर, वो आपकी मेहनत पर पानी फेरते हैं, वो आपकी कड़ी मेहनत को जो कहते हैं ना कात्यो कुत्यो कपास कर देते हैं। ऐसा किसी व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां समानता का अधिकार दें, वो साथ में कॉम्पीट करें, योग्यता के आधार पर उनको स्थान मिले। और जो ही किसी के हाथ में पेपर आ गया, वो किन से आगे निकल जाएगा? उनसे आगे निकल जाएगा जिन्होंने खून पसीना एक कर, कड़ी मेहनत कर, क्लास अटेंड कर, गुरुजनों से ज्ञान लेकर पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। और एक वो है, उसको पेपर मिल गया तो तैयारी के साथ गया, आगे निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का अंत होना बहुत जरूरी है। ये हमारी प्रतिभा जो बच्चे बच्चियों में है उस पर एक तरीके से डाका है। और जो लोग इस घिनौनी हरकत में पड़ते हैं, पैसे के लाभ के लिए पड़ते हैं, वो समाज की व्यवस्था पर डकैती डालते हैं, वो प्रतिभा पर कुठाराघात करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और जो भी ऐसा दुष्कर्म करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कानून से भी और समाज से भी।